नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर के चंदनगर थाना क्षेत्र के सिरपुर तालाब पर बजरंग दल द्वारा दो नाबालिग विशेष वर्ग के युवकों के साथ दो युवतियों को पकड़ा था, जिन्हें चंदनगर थाने के सुपुर्द किया था। पूरे मामले में पुलिस ने मामला तो दर्ज नहीं किया है, लेकिन दोनों नाबालिग युवक पश्चिम बंगाल के हैं, उस पर जांच कर रही है कि वो यहाँ कैसे पहुंचे हैं। मामला इंदौर के चंदनगर थाना क्षेत्र के सिरपुर तालाब का है, जहां रविवार होने की वजह से कई लोग घूमने फिरने आते हैं, जिसमें दो नाबालिग युवक और उनकी नाबालिग मित्र युवती भी यहां पर पहुंचे थे। पूरे मामले में बजरंग दल ने आपत्ति ली थी, वहीं इन्हें चंदनगर पुलिस को सुपुर्द भी किया था। पूरे मामले में दोनों नाबालिग युवतियों को उनके परिजन के सुपुर्द कर दिया गया था। वहीं जांच में ये बात सामने आई है कि दोनों नाबालिग युवक पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, वो यहाँ कैसे पहुंचे इस बात पर जांच कर रही है। पूरे मामले में नाबालिग युवतियों द्वारा किसी प्रकार की शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। सिरपुर तालाब में कल रविवार का दिन होने से शहर के काफ़ी बच्चे और लड़के एवं लड़कियाँ घूमने आते हैं। कल एक ऐसा मामला आया था कि जिसमें दो बच्चे बाहर के थे, पश्चिम बंगाल क्षेत्र के रहने वाले, और दो बालिकाएं इस क्षेत्र की थी। दोनों आपस में बैठ के बात कर रहे थे, इस बात पर कुछ संगठन के लोगों द्वारा आपत्ति दर्ज की गई थी। उन्हें बुलाकर पूछताछ कर उनके माता पिता को सुपुर्द कर दिया गया था, और जो बच्चे हैं वो उसके बारे में पता रही, मतलब उस संबंध में जांच की जा रही है। नाबालिग हैं बच्चे, अपराध दर्ज नहीं हुआ है, चूँकि किसी भी व्यक्ति द्वारा इस पर इस पक्ष में रिपोर्ट नहीं की गई, इसलिए अपराध दर्ज नहीं हुआ। समझाए देखिए, छोड़ दिया। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।